हेलो एवरीवन क्वेश्चन इज वल्वा कंसिस्ट ऑफ वल्वा में नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सा ऑर्गन इंक्लूड किया जाता है ऑप्शन ए यूट्रस ऑप्शन बी ओवरीज ऑप्शन सी फेलोपियन ट्यूब ऑप्शन डी प्यूबिस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी प्यूबिस वल्वा की हम बात करें तो सिंपली फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन या फीमेल एक्सटर्नल फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को वल्वा के नाम से जानते हैं और वल्वा के अंदर इन बताए सभी चार ऑप्शंस में से प्यूबिस को इंक्लूड किया जाता है आइए अब जान लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम तीन पार्ट्स में एक्जैक्टली exactly क्लासिफाई कर सकते हैं एक्सटर्नल फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर इसे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के नाम से भी जान सकते हैं सेकेंड आता है इंटरनल जेनाइटेलिया या इंटरनल फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और लास्ट है एक्सेसरी ऑर्गन्स या एक्सेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स जिसमें वल्वा को इंक्लूड किया जाता है जिसे हम सम्मिलित रूप से वल्वा के नाम से जानते हैं इसके अंदर लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा क्लाइटोरिस प्यूबिस यूरिथ्रल ऑरिफेस, वेजाइनल ऑरिफेस, हाइमेन बार्थोलिन ग्लैंड एंड डक्ट एंड वेस्टिब्यूल को इंक्लूड किया जाता है टोटल याद रखने के हिसाब से आप मान लीजिए नाइन स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत इंक्लूड की जाती हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से अपन वलवा के नाम से जानते हैं इस डायग्राम में आप हर स्ट्रक्चर को देख सकते हैं सबसे पहले ये वाला हिस्सा इसे मोन्स प्यूबिस के नाम से जानते हैं उसके बाद आता है क्लाइटोरिस दिस इज़ अ ऑर्गन दिस इज हिमोलॉगस टू मेल पिनस क्लाइटोरस उसके बाद नीचे आता है लेबिया मैजोरा एंड लेबिया माइनोरा ये वाला जो आउटर कवरिंग है ये है आपके लेबिया मैजोरा और इंटरनल कवरिंग है इसे हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर यूरिथ्रल ओपनिंग की उसके जस्ट नीचे पाई जाती है वेजाइनल ओपनिंग वेजाइनल ओपनिंग के अंदर हाइमन पाया जाता है अब इसमें गौर करिएगा ये वाला जो हिस्सा है ये वाला पार्ट इसे हम वेस्टिब्यूल के नाम से जानते हैं ये पूरा हिस्सा कॉमनली वेस्टिब्यूल के नाम से जाना जाता है नीचे वाला ये हिस्सा है एनस और एनस और वेजाइना के बीच वाला जो ये पार्ट होता है इसे हम पेरिनियम पार्ट कहते हैं एपिसोटोमी के दौरान इसी एरिया में कट लगाकर वेजाइनल ओपनिंग को बड़ा किया जाता है जिससे फिफ्टस की डिलीवरी इजी हो पाती है सो so फ्रेंड्स ये थे सभी नौ स्ट्रक्चर्स इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं सबसे ऊपर ट्राइंगुलर जो पार्ट है उसे हम मॉन्स प्यूबिस के नाम से जानते हैं ये वाली जो आउटर कवरिंग है इसे हम लेबिया मेजोरा के नाम से जानते हैं इंटरनल कवरिंग्स को हम लेबिया माइनोरा के नाम से जानते हैं यहाँ पर क्लाइटोरिस पाया जाता है उसके बाद यूरिथ्रल ओपनिंग उसके बाद वेजाइनल ओपनिंग उसके अंदर हाइमन उसके नीचे आ, पेरिनियम एरिया इसे फॉरकिटी मसल्स पाए जाते हैं फिर नीचे आता है एनस इस पूरे एरिया को अपन कहते हैं वेस्टिब्यूल अपर पोर्शन प्यूबिस नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या इंटरनल जेनाइटेलियास की इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है वेजाइना कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा वेजाइना इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आता है कभी भी इसे आप एक्सटर्नल मत बताइएगा यहाँ पर गलती होने की चांसेस सबसे ज़्यादा होती हैं नेक्स्ट आता है यूट्रस फिर है फेलोपियन ट्यूब और फिर आता है ओवरीज इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टोटल चार इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इंक्लूड की जाती हैं वेजाइना यूट्रस फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज थर्ड आता है एक्सेसरी ऑर्गन्स इसके अंतर्गत हम ब्रेस्ट को इंक्लूड करते हैं एक्सेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंतर्गत ब्रेस्ट को इंक्लूड किया जाता है सो एवरी वन ये था हमारा आज का वीडियो Thank you so much for watching this complete video. All the best.